तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। टुडे इज 19th of December 2021। हम आखिरी महीने में हैं 2021 साल के। ये साल कितना जल्दी निकल गया पता भी नहीं चला। एनीवेज, तो मैं अभी एक टूर्नामेंट में हूँ दुर्ग में, जलाराम ट्रॉफी करके, और उसमें टोटल 11 राउंड होने वाले हैं 18 से 22 तारीख तक। तो मैं पहला राउंड शूट नहीं किया, मतलब कल पहला दिन था तो मैं शूट नहीं किया। सोच रहा क्या शूट करूँगा करके, क्योंकि कंझट बहुत रहा था। मेरे को यूट्यूब में लाइव स्ट्रीमिंग भी करना है, पुणे का गेम्स भी एनालाइज करना है, शायद ये वाला भी गेम एनालाइज करूँ जो अगर बेहतरीन लगा तो कुछ, और फिर ये व्लॉग एडिट करूँ। मेरे को मतलब ऐसा कितना टाइम टेकिंग है बहुत, लेकिन सोचा क्यों ना कॉन्टेंट निकाला जाए। तो मैं आपको शुरुआत से दिखा रहा हूँ, ये है, ये रहा बैनर, स्व लालजी भाई आदित्य स्मृति श्री जलाराम ट्रॉफी राज्य स्तरीय ओपन शतरंज एवं सीनियर महिला। तो ये सब, अब आपको अंदर थोड़ा ले जाया जाए। अंदर थोड़ा जाएंगे तो यहाँ पे एक और बैनर, थोड़ा बाहर का माहौल एकदम मेन रोड में स्थित जलाराम सांस्कृतिक भवन में यह प्रतियोगिता होता हुआ, और ये प्रतियोगिता कल ही प्रारंभ हो गया था। आपको थोड़ा अंदर का माहौल दिखाया जाए। यहाँ पे ये अंदर का माहौल जैसे कि देख सकते हैं आप, एकदम शांतिपूर्ण है। यहाँ पे बैठे रहते हैं कंप्यूटर्स वगैरह लोग, मतलब वही स्कोरिंग जो करते हैं। यहाँ पे कुछ लोग खेलते हुए, और जैसे कि आप देख सकते हैं कि चेस बोर्ड लगाया जा रहा है। चेस बोर्ड लगाएंगे अभी ये लोग। क्लॉक भी रहता है 30 मिनट प्लस 30 सेकंड पर मूव का, वो है टाइम कंट्रोल। और मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ आज मैं कहाँ बैठूँगा। आज मैं टेबल नंबर 10 में बैठ रहा हूँ, यहाँ पे बैठ रहा हूँ मैं। कल यहाँ पे बैठा था 11 पे, आज 10 पे बैठ रहा हूँ। तो यही है, अभी चेस पीसेस चेस बोर्ड्स लग रहे हैं। कल मैं पहला राउंड था वो मैं जीत गया हूँ, अच्छे से जीता हूँ, मतलब गेम दिखाने लायक नहीं है, अच्छा था। इजी विन भी नहीं बोलूँगा, ठीक ठाक के ओपोनेंट। तो यही है, मैं 1 में से 1 हूँ। शुरुआत तो ठीक ठाक हुआ है, देखें आज क्या होगा। आज कोई छल्ला वर्मा करके कोई एक है, अब पता नहीं वो लड़का है या लड़की। अगर लड़की है तो भाई छल्ला वर्मा करके कोई है, और लड़का है तो फिर भी छल्ला वर्मा करके कोई एक है। तो मैं ये अभी सोच रहा था क्या करूँ करके, बस कुछ करने लायक है नहीं। आपको मिलता हूँ बाद में, बाय। हेलो दोस्तों, मैं दूसरा राउंड भी जीत चुका हूँ फॉर्चुनेटली। अच्छा, ठीक ठाक था ओपोनेंट, है ना, 1 घंटे से ज़्यादा टाइप का गया गेम। और हाँ, और एक और फनी चीज़ था, जो हमारे वो थे सेकंड राउंड के जो चीफ गेस्ट जो बोलते हैं, वैसे जो मतलब वो जो भाषणबाजी होता है कि हाँ सब अच्छा, टीम को भी अच्छा, है ना, ऑर्गेनाइज़र कमेटी को शुभकामनाएं, सारे खिलाड़ियों को शुभकामनाएं, और फिर क्या, हार जीत मायने नहीं देता, प्रतियोगिता में भाग लिए वो ज़्यादा मायने लेता है, और स्पोर्ट्स स्पिरिट से खेलो, ऐसा कैसा। तो उसमें क्या हुआ, जैसे ही वो जो चीफ गेस्ट थी वो बोली कि सारे ऑर्गेनाइज़र टीम को बहुत शुभकामनाएं, इतना अच्छे से कंडक्ट करो, तभी लाइट गोल हो गया। मतलब इतना हंसे फिर सभी, मतलब एकदम ऐसा जो बोलते हैं ना
एक ही साथ सब के सब खिलाड़ी लोग हंसने लगे, मतलब है ऐसा भी नहीं, मतलब ऐसा जो छुप छुप के जो हंसते वैसा टाइप का। और चीफ गेस्ट भी बोली मेरा वो हो गया करके, क्या नज़र लग गया ऐसा टाइप का। तो ये एक चीज़ हुआ था। फिर राउंड चालू होने में थोड़ा टाइम लगा, 10 बजे चालू होना होता, 10:15, 10:20 को चालू हुआ। इंडिया में है भाई, अब ऐसा भी नहीं कि ऐसा, मतलब ऐसा जस्ट बोल दिया मैं, है ना। और बस अभी थर्ड राउंड शायद 12 बजे चालू होगा। अब पता नहीं लंच कैसे करूँ, क्योंकि आसपास कोई ठेला लगा नहीं है, साला मेन रोड में कोई ठेला लगा नहीं है। मैं वही सोच रहा हूँ क्या है भाई ये मस्त, इतना यहाँ पे इतना अच्छा अच्छा चीज़ है, जैसे कि वो मंदिर पीछे आप देख सकते हो, वो एक है, यहाँ पे भी एक मंदिर है ना, यहाँ पे भवन है, यहाँ पे राउंड हो रहा है, और सामने एक पार्क टाइप का है, हॉकी मैदान है सामने, बहुत कुछ है। एक सेकंड देखने दो, मैं दिख नहीं रहा, हाँ हॉकी मैदान है सामने, तो यहाँ पे तो होना चाहिए ना यार, गुपचुप खेला एटलीस्ट एक दो ठप। अब सोच रहा हूँ क्या करूँ यार, लंच यहाँ पे फ्री मिलेगा शायद, लेकिन फ्री उन्हीं लोगों के लिए जो यहाँ पे रह रहे हैं। मैं तो रिलेटिव के यहाँ रह रहा हूँ, बुआ के यहाँ। अब देखते पूछता हूँ, अगर मिल जाए तो ठीक, नहीं मिले तो उपवास मारेंगे और क्या भाई, इतने सारे मंदिर हैं यहाँ पे, हम भी उपवास मार देंगे यहाँ पे, मंदिर यहाँ पे भी मंदिर है। ठीक है फिर भाई, थर्ड राउंड चौथा राउंड भी जिता देना यार भगवान। तो अभी के लिए बस इतना ही, और बाकी देखता हूँ, होप तो थर्ड ओपोनेंट भी जीत, मतलब थर्ड राउंड भी जीत जाऊँ मैं। चलो भाई बाय। तो दोस्तों मैं अभी 12:30 बजे 3 बजे दूसरा राउंड चालू होगा, और नींद आ रहा है थोड़ा सा, मसाला डोसा मैं खाया हुआ जस्ट, ठीक था भाई, 30 रुपए में। इंडियन कॉफ़ी हाउस में कोई खाया है कि नहीं पता नहीं, यहाँ क्या देख रहा हूँ, यहाँ भाई इंडियन कॉफ़ी हाउस में कोई डोसा खाया है कि नहीं पता नहीं, उतना साइज का था 30 रुपए में, और वहाँ पे भीड़ भी था। तो आई होप सो ओमिक्रॉन ना आ गया हो, ओमिक्रॉन अगर आ गया है तो भाई पता, मैं सामने इसलिए देख रहा हूँ भाई, इतना बढ़िया नज़ारा है ना यहाँ से, बहुत अच्छा नज़ारा है, मतलब कैमरा में आएगा कि नहीं पता चल देता हूँ। ये देखो भाई ऐसा लाइट वाइट एकदम चेस बोर्ड, वो बच्चा खा रहा है साल उसको भगा, मेरा एक प्लान है, मैं देखता हूँ शाम को ये हो पाता है कि नहीं, शायद नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत हेक्टिक शेड्यूल है, वो कल कर सकता हूँ। ये कि वो फूड व्लॉगिंग करूँगा मैं ऐसा थोड़ा सा, क्योंकि मैं एक चीज़ देखा हूँ, जब भी आप ऐसा बिना उसमें जाओगे ना, आपको एकदम ऐसा, जैसे पाव भाजी का एग्जांपल लेते हैं, अब ऐसा जाओगे ना तो आपको दो पाव ऐसा मक्खन में जो ऐसा तवे में लगा रहा है तो उसी में ऐसा सेक सेक के, है ना, उसी में भाजी ऐसा डाल के एकदम ऐसा करके दे देंगे, प्याज भी अलग से देंगे साइड से थोड़ा सा, अब जैसे कैमरा लेकर जाएंगे तो हेलो दोस्तों वेलकम टू माई चैनल, वेलकम टू माई फूड व्लॉगिंग चैनल, ऐसा ऐसा करके वो जो मालिक रहते हैं वो ठेले का गाली तो बकता है, वो तो बकेगा ही कि साला आ गया, बच्चे से खाना देना पड़ेगा, तो पाव भाजी में एकदम इतना बड़ा मक्खन भाजी में ढलेगा, ऐसा 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 करेगा, फिर पाव में भी अलग से मक्खन लगा के ऐसा ऐसा करके डलेगा, प्याज अलग से देगा, प्लस वो भाजी के पाव भाजी बोलते हैं ना, वो सब्जी के ऊपर भी ऐसा देगा एकदम, नींबू काट के एकदम साइड से एकदम इज्जत से देगा। तो ये एक डिफरेंस देखा हूँ मैं, मतलब यूट्यूब में ऐसा कोई भी फूड व्लॉगिंग चैनल ऐसा देखा हुआ कहा, तो आज मैं भी वही ट्राई करूँगा। आज देखता हूँ, क्योंकि सेकंड राउंड और थर्ड राउंड के बीच 1 ही घंटे का फर्क है, अगर सेकंड राउंड ज़्यादा लंबा चल गया, अगर मेरा ही गेम लास्ट में ख़त्म हो गया तो मेरे को टाइम नहीं मिलेगा ना, और फिर उस टाइम बहुत रात हो जाएगा, तो यहाँ से जाने में 15-20 मिनट भी लगता है फिर ऑटो में। तो ठीक है भाई अभी के लिए, इसे यहाँ क्यों देख रहा हूँ मैं, यहाँ पे तो बस यही, अभी सर आपको बाहर दिखाऊँ क्या कर रहा है, बाहर दिखाऊँ कि ये देखो भाई बाहर, ये देखो ये है, कोई तो है ये पता नहीं, यहाँ पे हाल चाल गटर।
यही सब चल रहा भाई। मैं गया था खाने उधर, एकदम उधर गया था, सब्जी वब्जी अगर आपको दिख रहा है तो वहां पे गया था। ठीक है, और मुझे नहीं पता ये व्लॉग कब आ रहा है, कभी भी आ रहा हो तो लाइक शेयर करना। ठीक है, चलो बाय। भाई दुनिया के दो पहलू तो होते ही हैं, एक पहला तो ये देखो ये क्या है भाई, जस्ट ये रहा बॉयज़ टॉयलेट, वहाँ पे गर्ल्स है। तो ये देखो ये एक ऐसा टाइप का एक जगह है ना। और ठीक दूसरा पहलू देखना, ये देखो भाई ये देखो, ठीक पर्दे के पीछे ही, ठीक पर्दे के पीछे ही दूसरा पहलू है। तो यही है भाई, इंसानों के भी दो पहलू होते हैं, पहला ये और ठीक अंदर ही दूसरा पहलू एकदम। तो पता नहीं क्यों बोलना पड़ा ये सब साला, ये सागर शाह का हरकत है बताऊँ, चेस वीडियो उसको ऐसा देखता हूँ ना, ऐसा ऐसा एनालॉजी आता है फिर। तो अभी मैं सोच रहा था, अभी मैं थोड़ा थक गया हूँ तो है ना, तो सोच रहा था मैं ऊपर जाऊँ करके, ऊपर मतलब सेकंड फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे अच्छे अच्छे रूम्स हैं। प्रस्ताव मिला था, मतलब प्रस्ताव नहीं, मतलब थोड़े से नॉमिनल रेट में रहने का वो है, मैं रह नहीं रहा हूँ, बस ऐसे जाके देखूँगा बैठूँगा करके, बस ये है। खुल जा, खुलना पे जीरो हो गए। हाँ ये भाई कुछ भी बोलो यार, ये गैप में अच्छा तो भाई लगता हूँ मैं, है कि नहीं? नहीं। चलो, अरे दोस्तों एक सवाल है मेरे को, है ना, अगर यहाँ पे लिखा है 8 जन 544 किलो, तो फिर अगर किसी का मतलब अगर 5 लोग ही है और वो अगर 600 किलो एक्सीड कर दिए तो ये अलाउड है कि नहीं है? और अगर 10 लोग है ना, मतलब अगर 10 लोग हैं, मतलब समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, 8 लोग हैं और 544 किलो अलाउड, अगर 6 लोग हैं और 544 किलो को एक्सीड कर दिए तो क्या वो मान्य है? या फिर एक और केस दे रहा हूँ, 10 लोग हैं, चल 11 लोग हैं, 10 या 11 लोग हैं और फिर भी 544 किलो एक्सीड नहीं किया, तो क्या ये भी मान्य है? आपको अगर पता है तो प्लीज़ कमेंट डाउन कीजिए, अभी के अभी वीडियो पॉज कीजिए और लिखिए, लिख लिए। अब देखो यहाँ का नज़ारा, ये है रूम्स यहाँ पे कुछ एक दो, मतलब यहाँ पे बहुत सारे, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, मतलब ऐसा गद्दा बिछा, मतलब ऐसा जैसे लाश बिछा के रखते ना, 1 2 3 4 5 ऐसा जैसे लाश बिछा के रखते वैसा टाइप का बिछा के रखे हैं लोग बिस्तर को, है ना। तो वही है, यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन काम चलता हुआ। भाई ये इतना बड़ा है, क्रिकेट आराम से खेल लेंगे ना, मतलब बस स्ट्रेट ड्राइव मारेंगे ऐसा, सटासट मारते रहेंगे ऐसा सटासट, सीधे पे सीधा। और यहाँ पे भी एक कुछ है, एक अलग द्वार है यहाँ पे भी, ओह यहाँ पे सो रहे, सॉरी वहाँ पे सो रहे थे तो नहीं शूट किया। तो अब और क्या करूँ, और कुछ काम ही नहीं है भैया, सारा टाइम ही ख़त्म नहीं हो रहा, मैं 12:30 बजे डोसा खा के आया था, अभी तक बस 12:50 ही हुआ है। यहाँ पे ऐसे ही दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे ये एक है, कुछ तो एक है, यहाँ पे सीढ़ी, यहाँ पे ये, क्या करूँ भाई टाइम नहीं है मेरे पास, मतलब टाइम बहुत है मेरे पास। यहाँ से अगर कोई भी इच्छुक, अगर जिसका भी मार्क्स खराब आया हो या फिर कुछ भी, अगर कोई छोड़ के चले गया हो आपको और आप जीना नहीं चाहते, तो यहाँ से आराम से आप कूद सकते हैं, ये देखिए आराम से कूद सकते हैं, यहाँ पे
सीधा पैर तो टूटेंगे ही, आई एम डैम श्योर, हाथ पैर तो टूटेगा ही, आई एम डैम श्योर, मर भी सकते हैं। और मैं सोच रहा हूँ नीचे सीढ़ी चढ़ के नीचे जाऊँ या लिफ्ट ले जाऊँ, सीढ़ी चल के ही चलते हैं। तो बस भाई, अरे यार ये बार बार, हाँ तो बस भाई अभी के लिए इतना ही। अरे यहाँ पे एक और अच्छा चीज़ मिल गया है, मंदिर है क्या ये? ओह मंदिर है, मंदिर है, ओह मंदिर है, मंदिर आप लोग को देखना है क्या? फिर मंदिर कुछ दिन, अरे नहीं थोड़ा गलत हो गया यार, जूता पहन के अंदर नहीं घुसना था, मंदिर था ना उधर, मतलब गलत प्लानिंग है, मेरे बिल्डर की गलती है, मेरे को क्या पता है ना साला, ऐसा सीढ़ी नीचे जा रहा भाई मंदिर आ जाएगा, मेरे को क्या पता भाई। तो मैं यही बोल रहा था, चलो भाई भगवान गलती हो गया सॉरी। हाँ तो मैं ये बोल रहा था, क्या तो बोल रहा था अभी मैं अभी, हाँ तो अब बाद में बात करते हैं, वो मंदिर आपको कल दिखाना, दिखा दूंगा, देखता हूँ दिखाऊंगा कि नहीं, मतलब अगर टाइम रहेगा तो जरूर दिखूंगा। हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून वंस अगेन, आई एम हियर। और बस अभी तीसरा राउंड चालू होने में बस 15 मिनट बाकी है कुछ, और पहली बार एक रेटेड प्लेयर के साथ लगा है, पहली बार एक रेटेड प्लेयर के साथ खेलूँगा इस टूर्नामेंट में। 1006 है उसका कुछ रेटिंग, 1006 1060 याद नहीं आ रहा, ऐसा कुछ रेटिंग है उसका। अभी मैं ऊपर में था, मस्त गर्मी था, सोच रहा था ये देखो गर्मी दिख रहा है, गर्मी यहाँ पे तो मस्त, वही सोच रहा था सो जाऊँ करके, कौन ही देख रहा है, ऊपर कोई आ नहीं रहा मेरे हिसाब से। तो अभी आपको अगर नीचे आऊँ, तो नीचे का हाल कुछ ऐसा है, यहाँ पे लोग आए हुए हैं, लोग आए हुए हैं, ऐसा है कुछ। यहाँ पे लोग रेटिंग अपना पेयरिंग देखते हैं, ऑल दो ऑनलाइन आ जाता है मेरा पेयरिंग राउंड 3। एक 1005 है उसका रेटिंग, टेबल नंबर 8 यहाँ पे। अभी देख लो ऐसा है कुछ रेटिंग, फोकस भाई फोकस, हाँ। और मैं उस टेबल में खेलूँगा, वो वाले टेबल में, वहाँ पे जो टेबल है वो वाले टेबल में खेलूँगा। तो अभी के लिए इतना ही, ठीक है भाई, अभी राउंड के बाद बस आपको नेक्स्ट मिलूँगा। राउंड से पहले अगर कुछ मेरे को मिल गया इंटरेस्टिंग तो मैं आपको दिखाऊंगा, वरना फ़ोन स्विच ऑफ करके रखना पड़ता है। और यहाँ पे यार एक गंदा चीज़ है, बताऊँ एक गंदा चीज़ तो है यहाँ पे, अभी साला एक गंदा चीज़ तो है यहाँ पे कि गुपचुप का ठेला, चाट का ठेला कुछ नहीं है, और एक कुत्ते का ठेला है वो कहाँ 2 किलोमीटर चलना पड़ता है उसके लिए। तो ठीक है अभी मैं बंद कर रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा प्राइवेसी कुछ बातचीत चल रहा है, थोड़ा यू नो टाइप की बातें। तो बाय भाई, बाय, चलो जय हिंद भैया। अभी बज गया है 4:30 कुछ बज गया है, हाँ 4:30 बज गया है। और आपको लग रहा होगा मैं ऐसे क्यों भाई, चश्मा थोड़ा उतार के रखा हूँ। तो आज का सेकंड राउंड मतलब टूर्नामेंट का 3rd राउंड भी मैं जीत गया हूँ, देख रहे हो मतलब क्या ही हो रहा है, 3 मैच लगातार जीत गया हूँ, ऐसा कभी हुआ नहीं है, 3 लगातार गेम हारता हूँ मैं लेकिन 3 लगातार गेम जीत रहा हूँ। अब आज भी 4th राउंड है, 6-7 बजे चालू होगा, फिक्स नहीं है, ये लोग 6 बोले इसलिए मैं 7 एस्टिमेट करके चल रहा हूँ। तो बस यही बोलना था, और अभी मैं एक हूँ, कूदना नहीं है, अरे यार ये साला ब्लर कर दूंगा इधर मैं, अच्छे सूख रहे हैं एक्चुअली मस्त। यहाँ पे मंदिर है, पीछे साइड मस्जिद भी है, इस साइड गुरुद्वारा चर्च भी बना देते। चलो भाई इससे पहले कि मैं कैंसिल हो जाऊँ, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि भाई टूर्नामेंट अच्छा चल रहा है, मैं जो भगवान है जो
खुदा जो अल्लाह जो जो भी आप सबको, भाई मैं डर लग रहा है कहीं कैंसिल हो जाऊंगा मैं करके, मैं क्यों ऐसा चीज़ कर रहा हूँ मैं पता नहीं मेरे को, साला ट्विटर में बैन आनंद राय जैसा आएगा करके। तो कुछ भी हो ऊपर वाला, चलो ऊपर वाला से मैं वो कर रहा हूँ कि भैया टूर्नामेंट अच्छा जाए मेरा। और ये कंस्ट्रक्शन साइट, ऐसा कुछ कंस्ट्रक्शन तो हो रहा है इधर। अब अगला साल वापस नहीं आऊँगा तो ये इतना ही काम रहेगा आई होप सो। ये देखो भाई क्या ही वो, क्या ही वो है इलाका, वो देखो अपना हॉकी मैदान। भाई अगर गलती से फ़ोन छूट गया और सीधा नीचे जाके गिरा तो फिर मैं और मेरा बाप फिर हो गया ख़त्म। सॉरी नहीं, सॉरी क्या मतलब। तो वहाँ पे गेम हॉल में एक कांड भी हुआ एक्चुअली, एक सेकंड भाई, कांड शूट करने वाला था लेकिन आर्बिटर लोग बोले काहे भाई गेम की उसका हान कर रहे हो क्या क्या, तो मतलब एनवायरनमेंट को काहे वो कर रहे हो। तो मैं बता देता हूँ बताने में क्या है भाई, कमी बताने में भी अगर कैंसिल होंगे तो भाई क्या कर सकते हो। तो ये है कि टूर्नामेंट हॉल में दो प्लेयर थे, तो जो पहले आके जब बैठ जाता है ना, जैसे कि मैं नल्ला आदमी मेरे जैसे नल्ले लोग पहले आके ही बैठ जाते हैं, एक डेढ़ घंटे से आके ही पहले बैठ जाते हैं, मैं भी वैसे ही बैठ गया आके ऐसा ऐसा करके कर रहा हूँ। हाँ तो कांड ये था कि वही दीदी आके बैठ गई ब्लैक में, उनका था वाइट लेकिन ब्लैक के साइड में आके बैठ गई। अब अंकल आए, अंकल अब भैया सामने, अगर सामने वाला अगर ब्लैक में बैठे गए आप वाइट में बैठोगे नहीं, अंकल भी आके एकदम तसन में एकदम ऐसा ऐसा आके वाइट में बैठ गए, उनका था लेकिन अंकल का ब्लैक था, लेकिन भैया दीदी ब्लैक में बैठी थी। अब अंकल भी वो थे, चेक करना चाहिए उनको भी। तो अब मस्त हुआ कि मैच वैच एकदम हुआ आराम से, एकदम अच्छा चला। और मैच ख़त्म होने के बाद जब सपोज रिजल्ट वाइट वॉन है ना, वाइट सपोज था ए और दीदी थी सपोज बी, तो अगर ए वन तो ए का तो इस साइड लिखेंगे ना 1/0 मतलब डैश ज़ीरो करके 1-0। अब जब वहाँ पे बोल रहे कि ए जीता है करके, प्लेयर के हिसाब से ए ब्लैक है और बी वाइट है, लेकिन एक्चुअली में ए वाइट है और बी ब्लैक है। अब समझ में आ रहा है, तो ऐसा जब लिखाने जा रहे प्लेयर के हिसाब से स्कोर 0-1 है लेकिन अकॉर्डिंग टू मशीन स्कोर 1-0 होना चाहिए क्योंकि कलर वो लोग गलत बैठ लिया है। तो बस अब वो हो गया, आर्बिटर लोग बोला अबे कैसे बैठ गए तुम लोग करके, एक काम पूरा मशीन काम करके देता है बस तुम लोग को बैठना है, तुम बैठ नहीं पा रहे हो ठीक से। तो बस ऐसा 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 करके कुछ हुआ, मैं वहाँ से चले गए, मैं तो कैमरा निकाल दिया था ऑलमोस्ट बताऊँ, वो थोड़ा सा क्लिपिंग मैं शूट कर दिया था। सर बोले भैया अच्छे सर हैं जाने पहचाने, भाई क्यों कर रहे ऐसा करके, मैंने चलो छोड़ो भाई डिलीट मारता हूँ, लेकिन डिलीट तो मारा नहीं हूँ मैं, लेकिन फिर भी मैं देने नहीं वाला वो पोस्ट मतलब वो वीडियो वो क्लिप। तो बस अभी के लिए इतना ही, अभी जाऊँगा, अभी टाइम कुछ 5 जब बजेगा देखता हूँ। बाय भाई बाय। तो हेलो भाई वापस आ गया और राउंड 4 की पेयरिंग आ गई है, राउंड चालू होने में आधा घंटा शेष, अकॉर्डिंग टू वो जो शेड्यूल बना है। अब भैया जिस हिसाब से लेट हो रहा है उस हिसाब से मेरे को लग रहा है और 20 मिनट ऐड कर दो उसमें मतलब, हाँ तो एक रिटायर्ड प्लेयर के साथ है, हमें सर्दी क्यों हो रहा है। ओमिक्रॉन, ए भाई ओमिक्रॉन। हाँ तो मैं ये बोल रहा था, अभी मैं सड़क के बीचों बीच खड़ा हूँ मतलब ऐसा फुटपाथ में, ये देख सकते हो ये वेन्यू है मेरा, और एक पता नहीं 1100 का प्लेयर एक है उसके साथ मैच है। और देखो भाई सुंदरता, तुमको क्या लड़का किसको दिखाने वाला हूँ, मैं तो मंदिर दिखा रहा हूँ भाई। अच्छा एक ना मतलब ऐसा वो आ रहा है क्या बोलते हैं, एक ऐसा लग रहा है मतलब कोई चैरिटी वाला टूर्नामेंट खेल रहा हूँ करके, लाइव व्लॉग बना रहा हूँ भाई। कैसा है तू? मैं एकदम कटिंग।
और तू कैसा है भाई? मैं भी ठीक हूँ। तू भी ठीक है? हाँ भाई, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। कोई तरीका है भीख मांगने का भाई? बस 5 मिनट बाकी है। हाल देख रहे हो दोस्तों, चीफ गेस्ट सामने बोल रहा है, कोई ध्यान नहीं, कोई ध्यान नहीं दे रहा, कोई भी नहीं। ये वही बात हो गई, प्रिंसिपल सामने बोल रहा है कुछ और हम ध्यान नहीं दे रहे। तो देखो बोर्ड भाई खड़ी यार, ठीक से यार, थोड़ा एकदम प्रोफेशनल लगना चाहिए ना। ये देखो यहाँ पे मेरा स्कोर शीट, ये बोर्ड है, थोड़ा टेढ़ा लग रहा तो ठीक है, ये बोर्ड है, अरे यार थोड़ा ठीक हो जाए ये। हाँ ये बोर्ड, उसका स्कोर शीट और ये रहा क्लॉक, एकदम करके चलेंगे। अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ, ये दबाऊंगा तभी स्टार्ट होगा। तो बस भाई ये है एकदम रॉ लाइव हाल ऑफ द टूर्नामेंट। तो हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। क्या बोल रहा था, हाँ मैं तो 4th राउंड जीत गया हूँ, 4 आउट ऑफ 4 हो गया हूँ मैं, 4 आउट ऑफ 4, हाँ 4 आउट ऑफ 4 हो गया हूँ मैं, अच्छी बात है। और 7 राउंड बाकी है, आज का हो गया ख़त्म, कल का 3 राउंड और है, फिर परसों, फिर और एक है, तो 4 में से 4 हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। 11 क्या तो भाई था, हाँ 1147 रेटेड प्लेयर का था वो मैच, दिखाने लायक तो है। मतलब एकदम मैं एक मुंह था, 4 मुंह आगे का सोच दिया था भाई, वो मुंह चल के भगवान कसम बोल रहा हूँ, मेरे को लगा क्या मैं ही अलीरेज़ा फिरुजिया हूँ, क्या मैं ही नेक्स्ट 2022 का चैलेंजर बने वाला हूँ मैग्नस कार्लसन का। बढ़िया मुंह था भाई, सही बोल रहा हूँ, बढ़िया मुंह था, एकदम आकाश पाताल जोड़ के वो वाला मुंह था। कुछ भी पके जा रहा हूँ, तो मैं अभी ऑटो पकड़ने वाला हूँ, घर जाने वाला हूँ। यहाँ पे साला नहीं आया ना, वे गुपचुप वाला नहीं आया, इतना बकने का मन कर रहा है। तो आपको मैं अभी पीछे देख रहा हूँ, जैसे कि मैं मंदिर में हूँ, क्योंकि नीचे बहुत कचकच था, आवाज़ नहीं आ रहा था, हाँ ढक गया वे, बहुत कचकच था। तो आप लोगों का सामने का माहौल दिखाता हूँ थोड़ा, अभी एक सेकंड ये वाला थोड़ा ऐसा आ रहा होगा, यहाँ पर ऐसा मतलब पोर्ट्रेट आ रहा होगा, लैंडस्केप नहीं, मेरे को पता है, क्योंकि लैंडस्केप में करना ही भूल गया था। अरे तो ये रहा भाई सामने का माहौल, कार गाड़ी ये सब, वहाँ पे कुछ लोग। तो ठीक है भाई, अभी मैं जा रहा हूँ, देखता हूँ रास्ते में कुछ करूँगा कि नहीं। बाय।